हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि एक बज गया है अभी। और तो मैं जा रही हूँ अभी दुकान को, क्योंकि आज हमारे घर में आने वाली है होली। मतलब आज है गांव की लास्ट होली, तो मैं जा रही हूँ दुकान में पहले होली का थोड़ा बहुत सामान लेके आता है जो भी होता है, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने नहाना है। मैं पानी गर्म करके आई हूँ, देखो इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं अपना ख्याल गर्म पानी से रखती हूँ। हाँ देखो, आजकल जो जो आए हैं सब अपनी बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी, दो यहाँ हैं, एक उसके अंदर है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया यार, सुबह से इतना काम हो रहा था घर में। आज मैंने कपड़े वपड़े सारे सेट किए, तो मैंने वही किया, नाश्ता किया बस, अब दिन का खाना बन रहा है मम्मी। बाकी मेरे साथ की लड़कियाँ तो सब होली में यार ऐसे लाल पीले नीले होके अभी नाले गए हैं सब लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना। तो दोस्तों अभी बज रहे दिन के 3 और हवा इतनी तगड़ी चल रही है ना, मतलब आज पता नहीं शाम को बहुत तेज हवा चल रही है। तो आज है लास्ट होली, मतलब लास्ट होली तो कल है, पर गांव में जो गाते हैं वो आज लास्ट होली है। तो जो बाहर को छुट्टियां होती है ना होली की दिन की, तो सिर्फ एक दिन की होती है, कल है, पर हमारे गाँव में आज अभी लास्ट होली है। तो लास्ट होली होती है हमारे घर में, तो अभी शाम को आएंगे 5 बजे टाइम पे लोग यहाँ पे, सब लोग होली गाएंगे, उसके बाद होता है होली का दहन। तो एक दिन वो लाते ना जो मैंने आप लोगों को दिखाया था साल के पेड़, मतलब सल्ले के पेड़, चीड़ के पेड़, तो उसके पेड़ की टहनी लाते हैं बहुत लंबी सी, और उसको फिर एक जगह यहाँ पे हमारे घर के जस्ट ऊपर थोड़ा स्कूल है उसके बगल में ही उसको रखा है, मतलब वहाँ पे पेड़ की तरह उसको उगाते हैं, और उसमें ऊपर वाते हैं एक कपड़ा। तो आज शाम को होली का दहन होगा, और नीचे को उसके वो लगाए रहते हैं, घास फूस लगाए रहते हैं, फिर उसको रात को जलाते हैं। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी, है ना। तो अभी तो यहाँ लोग आएंगे, अभी वहाँ अगल कहीं और हो रही है होली, फिर आएंगे हमारे घर को। बाकी हमारी जितनी टीम चली है और होली की पूरी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं, जो जो चीज़ें हमने करनी थी सब हो चुकी हैं, बस इस वजह लाने बाकी है चाय के लिए, और फिर वो लेने के लिए जाऊँगी एक बार, और फिर हो गया। और सॉरी दोस्तों, इतने दिन मतलब 4 दिन लगातार हमारे गाँव में होली हुई, और मैं वो होली आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं खुद ही नहीं गई होली में, तो आप लोगों को क्या ही दिखाती, है ना। मैंने खुद ही होली नहीं देखी। कल मैं होली के लिए रेडी हुई, फिर उसके बाद मैंने वाइट सूट बना था, फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, और उसके बाद रात हो गई थी, तो फिर वही घर का काम हो गया था, इसलिए मैं कल भी होली में नहीं गई। तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन के होली के व्लॉग्स हैं, थोड़े मेरे व्लॉग लेट आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेट बहुत कम चलता है, तो व्लॉग आने में थोड़ी देरी हुई हो सकती है, इसीलिए होली के व्लॉग 2-3 व्लॉग्स आएंगे, ठीक है। तो रात को फिर एक गेम भी होता है ताती का हुड़दिया, तो उसमें फिर जो विनर होता है उसको पैसे मिलते हैं, मतलब 500 रुपये तो उसके पास हो जाते हैं, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये होता है हमारे गांव में, कुछ इस टाइप से होली बनाई जाती है। इस बार की होली में ज़्यादा गई नहीं मैं वैसे, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को होली में हम लोग जो जो देते हैं ना, मतलब जो लोग होली गाते हैं उन लोगों को, जो लोग होली बनाते हैं उन्हें हम क्या क्या चीज़ देते हैं होली में, क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ पे दिया जाता है। अभी जब हमारे घर में होली आएगी तब हम देंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले ये प्रसाद नारियल और इलायची दानी का, तो ये हमने भर भर के इसमें प्रसाद रखा हुआ है। और यहाँ पे कलर 3 कलर, क्योंकि इसमें 3 प्लेट आई थी तो मैंने 3 कलर डाल दिए, एक रेड कलर है, एक पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो ये रहा कलर, और उसके बाद देते हैं ये देखो, तो इसमें है काली मिर्च, लौंग, इलायची, और देखो एक बार हम ये वाली प्लेट घुमाएंगे, एक बार ये वाली घुमाएंगे, एक बार ये वाली घुमाएंगे, और एक बार टीके की घुमाएंगे, अभी मैंने टीका बनाया नहीं है, और एक बार लिक्विड वाला कलर उसको घुमाते हैं। अभी देखिए, अभी होली वहाँ पर पहुँच चुकी है, फिर उसके बाद इधर मिट्टी जाल हो गया आंगन में आएगी, फिर यहाँ पर मोती दिल हो गया आंगन में आएगी, फिर यहाँ से जाके इस आंगन में पूरे में आएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ डिस्पोजल लेने के, मेरे को चाय के लिए लाना है ना, इसलिए, और सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये बना दिया मैंने यहाँ पर टीका, और इसमें रखी है भेंट। अब इस भेंट को एक डायरी होती है उन लोग होली गाने वालों के पास, वो उसमें लिखेंगे नाम से, हर एक घर के नाम से लिखते हैं, फिर बाद में इन पैसों से होली का सामान, जैसे कुछ डमरू वमरू कुछ भी होता है गांव के लिए, कुछ चीज़ें तो वो लाते हैं। तो वहाँ व्लॉग तो हो ही रही है, मैं यहाँ पर बैठ के व्लॉग पोस्ट करने में लगी पड़ी हूँ, और बाकी सारा काम हो गया है यार, बस बाल बनाने हैं, अभी बाल भी बनाती हूँ। अभी यहाँ आ गई, अभी मैं आ तो गई यहाँ से, यहाँ अभी कह रही है आई नीवल होली में इतना आ गई हूँ बहुत भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने होली गाई है, ये देखो यहाँ के अनहत्ते हैं को। और यहाँ हमारी भाभी श्री, हेलो ब्लॉगर मैडम, ब्लॉगर मैडम। होली आने वाली है हमारे आंगन में, पड़ोस में होती है, पड़ोस में, और यहाँ भाभी को ऐसे लाल पीला नीला बनाए ना, हम देखते हैं कि पप्पी हमें क्या खिलाती है। Oh!
तरफ और इन लड़कियों की मस्ती एक तरफ। यार इन लोगों की डर से ना मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि ये लोग कलर से ऐसे पोत दे रहे हैं। मैंने अभी अभी नहाया तो मैं दोबारा नहीं नहा सकती हूँ ना, पानी कम है इसलिए। और बाकी हमारी भाभी जी पूरी साजिश में है मेरे को वो करने के, हाथों में उन्होंने सबने कलर भर रखा है। और मैं फिर भी नहीं जाऊँगी जब तक रात नहीं होगी, तब तक मैं इस सीढ़ी से नीचे को नहीं जाऊँगी, जाऊँगी नहीं। चाचा हैप्पी होली। कितने गोरे थे उनके बराबर, इनके बराबर काला बना दिया। ना कंटेंट नहीं आया था। ऐसा क्या हुआ हमारे आंगन के होली के दिन, क्या रूप बना इन दिनों का। विनोदा प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद लेते हैं और इतना लाल पीला नीला काला लो सोने का प्रसाद लो। अभी बाहर पे हो रही है होली और मेरे पास सिर्फ एक फोन है। इस फोन से मेरे सब कह रहे हैं वीडियो भी दिखा, मतलब वीडियो कॉल में होली भी दिखा और ब्लॉग भी बनाना, कैसे होगा यार। और मेरे फेस में देखो भाभी ने, और ना आज मैं बाहर नहीं आई, जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक बाहर ही नहीं आई, क्योंकि इन लोगों ने अपने हाथों में ना कलर छुपा के रखा था मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने दिनों से होली में नहीं गई ना, इनको ये लगा कि आई भी नहीं है तो इसको बिगाड़ते करके। और हमारी भाभी ने तो भाई साहब जो भूत बनाया है ना बता ही नहीं सकती हूँ। अभी वो हाथ में कलर उन्होंने लिया था, मैं ऐसे ही भागी अंदर और मैंने सारे कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, तो आज बच गई। अब अभी जो बाहर होली हो रही है ना वो बहुत ही प्यारी हो रही है, मतलब इतनी मस्त हो रही है ना, पर थोड़ा अंधेरा है तो आप लोग इग्नोर मानना ठीक है उस चीज़। भाभी श्री है जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, यार मेरे को ना कलर लगाने का सोचा था पर मैं बाहर नहीं निकली। अभी है रात को, कितना टाइम हो रहा है, रात के 9:06 हो गए, अपने घर से खाना खा के आ रही हूं, क्योंकि इनके लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और अभी ये लोग, अब सब लोगों की तैयारी हो चुकी है ऊपर होलिका दहन करने जाने की। बनाओ बनाओ खाओ, बर्तन धो के जाओ, इन लोगों से पूछ लो हमारे घर का एक्सपीरियंस बर्तन धोने का। जब बाकी हमारे हैंडसम चाचा को इतना काला बना दिया ना यार। अभी यहाँ पे आया है दादू का फोन, इसीलिए भोली थोड़ा बात कर रही है। बाकी यहाँ पे देखो नीचे नीचे यहाँ पे ये घास डाली हुई है, ऊपर को ये धूप दिया बत्ती पूरा पूजा करते है, उसके बाद वो देखो दो लड़के घूम रहे हैं उसके आस पास। क्या है आपके पास ऐसा? अच्छा यहाँ ये पूजा करने के लिए चावल लाए हैं। यार थोड़ी संस्कारी है हमारी भौजी, थोड़ी सी संस्कारी तो है, मान सकते हैं। तो बहुत टैलेंटेड है हाँ ये, हम ऐसे ही मजाक करते हैं, टैलेंटेड बहुत है यार। चंपुआत में इनका अपना बिजनेस है, चंपुआत से फिर हल्द्वानी पहुँचा, हल्द्वानी से दिल्ली पहुँचा, इतने टैलेंटेड है बता ही नहीं सकते। फिलहाल हाल फिलहाल इस पर फोकस करते हैं इनमें नहीं। तो गाइस पुराने रीति रिवाज ऐसे होता है, 4-5 दिन की होली हुई उसके बाद लास्ट दिन होली का दहन हो गया। कल को यहाँ का भगवती लेके सब लोग अपने माथे पे तिलक लगाएंगे, तो वही हो रहा है। और देखो कितने सारे लोग यहाँ, जितने भी है सब बच्चे बच्चे और जो जेंट्स लोग हैं गाने वाले सब अभी यहीं आए हुए हैं और यहाँ पर होली का दहन चल ही रहे हैं, वहाँ पे जल रहे हैं। और क्या कहते हैं हम लोग जा रहे हैं, अभी होगा तांतिका हो गया एक गेम, उसमें जो जीतता है उसको 500-600 रुपए मिलता है। और ये है, ये बार बार ना मेरे से पूछते रहता है कि तेरे सब्सक्राइबर कितने हुए, क्या हो गया, चल पार्टी पार्टी मांगता है तो जल्दी जल्दी व्यूज बढ़ाओ,
चैनल मोनिटाइज करा, पैसे आने दो, उसके बाद सबसे पहले मैंने पार्टी इसको देनी है। हैप्पी होली। थोड़ा हम दोनों को देख के शर्माना मत गाइस, क्योंकि हम दोनों ना पैदाइशी हरामी है। आगे देखो सब लोग इतना थक गए कि बैठ चुके हैं सब। अब होगा ताती का हुड़ दैया। खत्म हो रहा है कब भाई साहब, 10 बज गए और यहाँ भी नाचने में है। तो इन लोगों को तो नाचने देते हैं, हम लोग खाना वाना बना के खाना खाते हैं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं मिलती हूँ नए दिन में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।